आतंकी अपने मंसूबों से बाज नहीं आ रहे, लगातार सेना पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में मंगलवार को आतंकियों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी पर ग्रेनेड हमला कर दिया। ग्रेनेड के साथ ही सीआरपीएफ के जवानों पर गोलियां भी बरसाई गई। ग्रेनेड नहीं फटा, लेकिन गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी पर फायरिंग कर दी। इसका जवानों ने भी करारा जवाब दिया, लेकिन इस कार्रवाई में शिवलाल यादव नाम का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी जवान को तुरंत ही बिजबेहरा के एसडी अस्पताल में लेकर जाया गया। हालांकि हालत गंभीर देखकर बिजबेहरा के डॉक्टरों ने जवान को अनंतनाग जीएमसीएच ले जाने को कहा। अनंतनाग में जवान को विशेष इलाज के लिए भेज दिया गया। वहां जीएमसी अनंतनाग के डॉक्टर ने जख्मी जवान को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि जवान के शरीर में कई गोलियों के जख्म थे और सीने में भी गोलियां लगी थी। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि शहीद जवान शिवलाल नेताम छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के निवासी थे और जम्मू कश्मीर में 116वीं बटालियन में पदस्थ थे। आज शहीद शिवलाल का पार्थिव शरीर रायपुर लाया जाएगा और उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। न्यूज़ डेस्क।